गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास इज डिस्क इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च व्हाट इज द रिसर्च द ऑलरेडी डिसकस ऑफ रिसर्च ओके सो नाउ डिस्कशन ऑफ रिसर्च गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो नाउ आज हम रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसर्च क्या है ऑलरेडी हम देखे थे कि रिसर्च होता क्या है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम बार बार किसी चीज़ को आ, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं रिसर्च वर्क करते हैं तो उस बेस पे उसका आ, बहुत इम्पोर्टेंट है नर्सिंग क्या होता है नर्सिंग रिसर्च क्या होता है उसको आप एक बार डिस्कस करिएगा लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किए थे तो आज हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च तो फर्स्ट वन इज़ सिस्टमैटिक सिस्टमेटिक सेकेंड वन इज लॉजिकल थर्ड वन इज़ एम्परिकल एंड रिप्लीकेबल तो ये क्या है फोर टाइप्स के जो कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं है ना तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस तो फर्स्ट रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक ऑर्डरली होता है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इस पर हम एक ऑर्डर पे हम सिस्टमेटिक उसको अरेंज करके हम क्या करते हैं उसको हम उस रिसर्च को एक ऑर्डर पे सीक्वेंस वाइज वन बाय वन वन बाय वन हम क्या करते हैं उसको अरेंज करके हम सिस्टमेटिकली प्रोसेस को यूज़ करते हैं ओके देन नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन करेंट प्रोफेशनल इशूज़ तो जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इशूज़ है करेंट में हमारा जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे कि कुछ आ, हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं हम रिसर्च करते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट्स मिले ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों देन नेक्स्ट वन इज इन विथ केयरली डिफाइंड पर्पसेस है ना जो भी पुराना जो हुआ है उसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं डिफाइन करते हैं देन इम्फेसाइज टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेन्ड प्रोफेशनल नॉलेज तो हम फिर से उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं रिफाइन करते हैं दैन प्रोफेशनली नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या करते हैं अलग से सिस्टमेटिकली हम उस रिसर्च को करते हैं ताकि हमारा जो नॉलेज है और अच्छे से इम्प्रूव हो द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टेड टू आर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज है ना तो डायरेक्टेड टू आर्ड्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं उसको डेवलप करते हैं रिगार्डिंग क्या जो रिसर्च कर रहे हैं टेस्टिंग थ्योरीज उस पर हम बहुत सारे हम एक थ्योरी से अप्लाई करते हैं जैसे कि हेल्थ रिलेटेड हम क्या थ्योरी हम उस बेस पे हम यूज़ कर रहे हैं ओके देन नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग सोलूशन ऑफ ए प्रॉब्लम तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सल्यूसन करने के लिए हम नया नया चीज़ हम क्या करते हैं एक रिजल्ट या फाइन ओपन करते हैं है तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोलूसन करने के लिए हम हम यूज़ करते हैं रिसर्च का देन डेडिकेटेड टू डेवलप एम्परिकल एविडेंस एम्परिकल मतलब एविडेंस मतलब जानते ही होंगे एविडेंस मतलब हमको साक्ष्य चाहिए कुछ प्रूफ ओके okay, इसको बोल सकते हैं प्रूफ तो जो भी प्रॉब्लम्स uh, है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं उस पर एक प्रूफ रेडी करते हैं तैयार करते हैं यही रिसर्च का मेन कैरेक्ट्रिस्टिक्स uh, होता है इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इसको आप याद रखिएगा मेन पॉइंट्स हैं देन नेक्स्ट वन इज स्ट्राइप्स टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा तो जो भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं फर्स्ट हैंडली हम यूज़ करते हैं देन उस जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस तो इसमें बहुत सारे क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स uh, रहता है कि हम प्लान किए रहते हैं कि बहुत सारे uh, क्या क्या हम उस पर यूज़ करना है क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है और हम उसको लॉजिकली स्टैंडर्ड पे हम मेंटेन करते हैं देन जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो जनरेट करते हैं बहुत सारा फाइंडिंग को करके रिफाइन करते हैं देन इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने के बाद ओके okay. तो जो भी प्रोफेशनली प्रैक्टिस है हम जैसे कि हॉस्पिटल्स में हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जा रहे हैं तो अगर हम उस वर्क करते रहेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा और प्रोफेशनली हमारा जो क्या है जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होगा यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी तो मेथोडोलॉजी क्या होता है कि एक मेथड्स हम क्या करते हैं तैयार करते हैं मेथोडोलॉजी मतलब मेथड्स उसमें इंक्लूड करते हैं जैसे कि हम प्लान करते हैं एक सीक्वेंस पे कैसे डाटा कलेक्ट करना है कैसे प्लानिंग करना है कौन सा प्लेस चॉइस करना है कहाँ से हमको डाटा मिल सकता है तो ये सारे चीज़ हम क्या करते हैं मेथड्स मेथोडोलॉजी uh, का यूज़ करते हैं देन कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटिव सैंपल जो भी सैंपल रहता है उसको हम कंडक्ट करते हैं कैसे उसको कलेक्ट करना है ओके okay. कंडक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ़ मैथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन ओके जो भी रिसर्च रहता है उसमें क्या होता है जो मेथड्स यूज होता है जो डाटा कलेक्शन करने का जो टूल्स है उसको हम क्या करते हैं उसके थ्रू हम कंडक्ट करते हैं देन यूज ऑफ वैलिड एंड रियाबल डाटा कलेक्शन टूल्स तो जो भी डाटा है उसका वैलिड होना चाहिए और रियाबल डाटा होना चाहिए ताकि वो रियल में लगे कि हाँ कि ये सही है ओके केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड तो जो भी डाटा है उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखेंगे और उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ओके okay. जैसे कि हम कुछ भी डाटा रहता है उसको हम क्या करते हैं मेंशन करते हैं एक डाटा सोर्स पे उसको कहीं भी रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं या जो भी हमारा लैपटॉप है जो डेस्कटॉप है वहाँ पे एक्सेल सीट में हम उस डाटा को कलेक्ट मेंशन कर सकते हैं एडुकेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज रिसर्च एडुकुएटली और अप्रोप्रियटली uh, एनालाइज करते हैं जो रिसर्च रहता है उस पर हम एनालाइज करते हैं जो भी पुराना जो डाटा है उसके बेस पे हम एनालाइज करते हैं देन पेशेंटली कैरी आउट एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है उसको हम पोटेंशियल पेशेंटली हम तैयार करते हैं रिसर्चर्स एक्सर एक्सरटाइज एक्सपर्टाइज इंटरेस्ट मोटिवेशन एंड क्यूरेज तो जो रिसर्चर्स है वो क्या होता है एक्सपर्ट होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए जो और मोटिवेशन के बेस पे होना चाहिए ये क्या है इसके कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं ओके द नेक्स्ट वन एडुकेटली कम्युनिकेटेड तो जो भी रिसर्चर uh, है वो एडुकेटली होना चाहिए और अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए वो होना चाहिए द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्च एक रिसर्चर का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए हम देखते हैं यहाँ पे जैसे रिसर्च ओरिएंटेड इफ़िशेंट साइंटिफिक इफ़ेक्टिव एक्टिव तो ये क्या है रिसर्चर रिसर्चर का पूरा एक क्या है फुल फॉर्म है आर मीन्स रिसर्च ओरिएंटेड ई मीन्स इफिशियंस एस मीन्स साइंटिफिक ई फी ई फॉर इफेक्टिव ए फॉर एक्टिव आर फॉर रिसोर्सफुल सी फॉर क्रिएटिव एच फॉर ऑनेस्ट ई फॉर इकोनॉमिकल एंड आर मीन्स रिसर्च माइंडनेस तो ये क्या है एक क्वालिटी है क्या चीज़ का गुड रिसर्चर का है ना एक गुड रिसर्चर को उसको नॉलेजेबल होना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड करने आना चाहिए एफिशिएंट होना चाहिए है ना साइंटिफिकली होना चाहिए इफेक्टिव जो जो रिसर्चर है उसको इफेक्टिव होना चाहिए कि वो कैसे इफ़ेक्टिवली रिसर्च करता है एक्टिव होना चाहिए जो रिसर्च है उसको जो भी वर्क कर रहा है जिस रिसर्च पे उस पर एक्टिव होना चाहिए रिसोर्सफुल होना चाहिए जो भी रिसर्चर है उसको अच्छे से रिसोर्सेस मिलना चाहिए क्रिएटिव होना चाहिए ऑनेस्ट ऑनेस्ट होना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए रिसर्च माइंडनेस होना चाहिए तो ये क्या है क्वालिटी है गुड रिसर्चर का द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिसर्च तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत टू टाइप्स को होते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच बेस्ड ऑन पर्पस तो बेस्ड ऑन अप्रोच होता है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड सेकेंड होता है क्वान्टिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन पर्पज टू टाइप्स के होते हैं बेसिक रिसर्च एंड अप्प्लाइड रिसर्च तो ये क्या है हमारा जो रिसर्च है <coughs> सॉरी तो ये टाइप्स है इसको याद रखना है आपको कि कौन सा टाइप्स और रिसर्च और कैसे ये आगे धीरे धीरे हम जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा वैसे ही हम रिसर्च के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अप्रोच क्वान्टिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च फाइव टाइप्स को होता है फिनोमिनोलॉजी एंथ्रोग्राफी ग्राउंडेड थ्योरी केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल ठीक है टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये क्या है बेस्ड ऑन अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च ये फाइव टाइप्स के हैं देन बेस्ड ऑन अप्रोच क्वान क्वान्टिटेटिव रिसर्च ये थ्री टाइप्स के होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल तो ये क्या है इसको हम धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही अच्छे से एक्सप्लेन होता जाएगा ठीक है यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज दिया है छोटा छोटा उसको भी आप याद रखेंगे ऑबस्टेक्ट एनालिसिस क्या होता है डाटा क्या होता है हाइपोथीसिस क्या है रोल क्या होता है रोल मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिमिटेशंस मैनिपुलेशंस ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ये क्या है रिसर्च के टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको डेफिनेशंस याद रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है रिसर्च में पॉपुलेशन पायलट स्टडी रिलायबिलिटी सेटिंग सैंपल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वैलिडिटी एंड वेरिएबल्स तो ये क्या है जितने भी टर्मिनोलॉजीज है उसको आपको याद रखना है ताकि हम फ्यूचर में हमारा जो अगर आ गया क्वेश्चन uh, की डिफ़ाइन करिए पॉपुलेशंस को सैम्पलिंग क्या होता है वेरिएबल्स क्या हैं तो ये सबको याद रखना है और अकॉर्डिंग टू जो हमारा एस uh, के शर्मा बुक है उसमें से हम स्टडी कर सकते हैं ओके आई होप अंडर स्टू दिस टॉपिक ओके तो एक बार और हम रिफाइन कर लेते हैं सिमराइज ओके okay. तो फर्स्ट पॉइंट देखे थे करेक्ट्रिस्टिक ऑफ रिसर्च फोर टाइप्स को होते हैं सिस्टमेटिक लॉजिकल एम्पेरिकल रिप्लिकेबल है ना कैरेक्ट्रिस्टिक में बहुत सारे हैं जैसे कि गुड रिसर्च का क्या होना चाहिए अच्छे से ऑब्जेक्टिव मैथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारा चीज़ है इसमें करेक्ट्रिस्टिक आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है ओके okay. इसका गुड रिसर्चर का क्वालिटीज भी यहाँ पे देखे थे क्या हुआ है देन टाइप्स ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च को नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सॉरी स्टेजस स्टेजेस आएगा क्योंकि यूनिट वन में स्टेजेस है तो स्टेजेस के बारे में हम अच्छे से देखेंगे किसी को कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हैं ओके थैंक यू सो मच